नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत तेजी से भागे थे, अभी गिरे भी उतनी ही तेजी से हैं, और इस तेजी गिरावट के बीच में काफी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा ऊपर के भाव पे लग गया है। अब उनका भाव कब तक आएगा, आएगा नहीं आएगा, इस तरीके के भी सवाल उठ रहे हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, कश्मकश में इन्वेस्टर की भैया एवरेज कर लूं क्या, प्राइस जो महंगा खरीदा है थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अच्छा, एवरेजिंग को लेकर लोगों को पता ही नहीं कि एवरेज कैसे करना है, ये जानकर भी मुझे बड़ी हैरानी होती है। हमारे आपके दिमाग में एवरेजिंग सिर्फ एक ही चीज से होती है, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए पे ले ली, 90 पे आ गई तो खरीदूंगा तो एवरेजिंग हो गई, 95 रुपए का भाव आ जाएगा। भाई ये एवरेजिंग नहीं होती है, पता चले वो शेयर 80 जाने वाला है, आपका पैसा बनेगा वहां पे आप किसी भी भाव। आपने कभी 100 रुपए का शेयर 110 पे एवरेज किया है? बहुत मुश्किल होगा, 100 में से कुछ इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो करते होंगे, वरना सबके दिमाग में एक ही कैलकुलेशन बैठी है, यार वो शेयर मैंने उतना महंगा ले लिया था, अब यहां मिल रहा है यहां और खरीद लेता हूं थोड़ा सस्ता। अरे तेरा पैसा और लग गया यार, तेरे को यहां से तेजी दिख रही है तो खरीद भाई, ऐसे नहीं कि ऊपर लिया था तो नीचे ले रहा हूं। तेरे को तेजी दिख रही है ना, तेरे को पता होना चाहिए कि भैया ऊपर जाएगा, कॉन्फिडेंस कन्विक्शन भरोसा, तो मजा है लेने में। तो एवरेजिंग से बहुत पैसा बनता है, क्योंकि एवरेजिंग ही पैसा बनाती है, वैसे तो बनता ही नहीं भाई। तो ये सब पता होना बहुत जरूरी है, और इस पे मैं अभी मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया वीडियो बनाते बनाते, अदरवाइज मैं इस वीक पे ही आपके साथ हाउ टू एवरेज करता वीडियो एक। कोई बात नहीं, अभी बहुत सारी छुट्टियां आएंगी दिवाली के चलते, तो वहां पे बनाएंगे आप सभी के साथ ये सारे टॉपिक्स पे। इन्वेस्टर हो अगर आप तो इस चैनल पे आपके लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आता रहेगा, इतना मैं कह सकता हूं। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। दोस्तों, इरेडा 300 रुपए तक गया था, अभी 212-220 रुपए पे घूम रहा है, क्या करें क्या ना करें। भेल BHEL ऊपर से काफी नीचे आ चुका है, IRFC ऊपर से काफी नीचे आ चुका है, RVNL ये भी काफी टूट गया है, अब क्या करें इन स्टॉक्स में, इन सब के बारे में बात करते हैं। शुरू करते हैं एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले कवर करना चाहूंगा दोस्तों भेल को। भेल एक ऐसा स्टॉक है जिसपे बायर सेलर बड़ी बुरी तरीके से जंग में रहते हैं हमेशा, तेजी करने वालों के अपने तर्क हैं, मंदी करने वालों के अपने तर्क हैं, केवल इन्वेस्टर तक ही नहीं ब्रोकरेज हाउसेस तक लड़ते रहते हैं। कोई कहता है कि भैया बड़े ऑर्डर्स हैं स्टॉक तो भागेगा, तो कोई कहता है केवल ऑर्डर ही ऑर्डर है, प्रॉफिट नहीं बनाती कंपनी, मार्जिन को पता नहीं कहां से निकालना है, लोएस्ट बिडर बन के ऑर्डर तो जीत लेती है, कमाई कैसे करेगी उसका आता पता नहीं है, एग्जीक्यूट कैसे करेगी उसका आता पता नहीं है, तो वो डाउनग्रेड भी करते रहते हैं। वहीं तेजी वाले कहते हैं ऑर्डर्स तो बहुत हैं, इतनी सेल के सामने इतनी साल का काम पड़ा है, ये तो चलेगा भैया, तो अपने तर्क है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा भाई, अगर किसी पे है तो आपके स्टॉक ने दिया है ब्रेकडाउन, आपका स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे काफी वीक है, आपका शेयर जब तक ऊपर में एक लेवल देना चाहूंगा 296 तो काफी दूर हो गया, खैर वो देना तो बेकार है, 287 भी दूर लग रहा है, अब तो 271 सबसे छोटा लेवल नियर बाय आ रहा है। ये स्टॉक प्रीवियस वो लेवल है जहां से फॉल आया है, फ्री फॉल आया है, तो 276 रुपए का भाव जब तक ना निकाले ऊपर में तब तक तो तेजी दूर दूर तक मत सोचना। 28 अक्टूबर को बाकी नंबर्स भी आने हैं, नंबर्स के दम पर हम फैसला लेंगे तेजी मंदी का। इस स्टॉक में एवरेजिंग करनी चाहिए क्या, देखो मैं इस स्टॉक को करता हूं अवॉइड, अगर आपको लगता है ये स्टॉक चलेगा तो आप एवरेज करो, मतलब मेरा यहां पे कोई व्यू नहीं है तो मैंने इस स्टॉक को कवर क्यों करा। दोस्तों, कोई व्यू ना होना भी एक व्यू होता है मेरी नजर में, क्योंकि आप हमेशा कुछ एक्शन लो ये जरूरी नहीं है, कभी कभार एक्शन ना लेना ज्यादा बेटर रहता है, तो ये मेरी उस कैटेगरी का स्टॉक है जिसमें मैं एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, इस स्टॉक पे ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि मेरा व्यू ही नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ टेक्निकल खराब हो रहा है, वो वीक दिख रहा है, जब तक एक लेवल जो दिया है वो पार ना हो तब तक तो ज़्यादा वीक है। टेक्निकल खराब से कहाँ गिर सकता है भैया, 225 तक की जगह खुली हुई है स्टॉक में, राउंडिंग टॉप टाइप बन रहा है। आगे दूसरा स्टॉक है RVNL, इस पर मेरा पूरा व्यू है, मैंने काफी बार बात भी करी है 600 रुपए से कि भैया 420 रुपए तक गिर सकता है और वहां पे एवरेजिंग स्टार्ट करनी चाहिए, बॉटम फिशिंग स्टार्ट करनी चाहिए। काफी लोगों ने ट्रोल किया था, बट जब स्टॉक टूटा 450 भी रिसेंटली आया था तो काफी लोग सपोर्ट में आ गए, लेकिन 450 से बाउंस बैक 500 पे मारा तो फिर ट्रोल किया, अभी वापस 477 खड़ा है। तो आप तो ऐसे करते रहो भैया, कोई बात नहीं, मेरा व्यू बैठा है जो बैठा है, आएगा तो लूंगा, नहीं आएगा तो नहीं लूंगा, एक शेयर तो बचा नहीं है मार्केट में। अभी क्या है, अभी भी वीक है, लोअर लो की फॉर्मेशन जारी है, 68 के मल्टीपल्स पे आपको शोभा दे रहा है क्या ये स्टॉक, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मेरे को तो बिल्कुल नहीं दे रहा। 99,000 करोड़ के मार्केट कैप पे RVNL खड़ी है, मतलब सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप तो ऐसे भागा जैसे जाने क्या ही हुआ।
और अभी तो कुछ ऑर्डर वगैरह भी नहीं आ रहे रेलवे को लेकर, तो 420 के करीब स्टॉक पे सपोर्ट दिखता है, वहां तक की नीचे गिरावट खुली हुई है, वहां आएगा तो निवेश के मौके तलाशेंगे, तब तक के लिए वेट करेंगे। लॉन्ग टर्म कैंडिडेट्स होल्ड कर सकते हैं, गिरावट में ऐड जरूर कीजिएगा, बट अभी कुछ नहीं बनता, नो ट्रेड एट ऑल। नेक्स्ट है इरेडा, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत दमदार कंपनी लगती है मेरे को, इसके मैनेजमेंट के इंटरव्यू सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और आगे की गाइडेंस बड़ी स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि स्टॉक 216 पे, मैंने पहले भी बात करी हुई है, स्टॉक कहीं कहीं सपोर्ट ले रहा है बार बार, मे बी गिरे ना गिरे कह नहीं सकते, लेकिन अगर 192 आता है वहां से फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए और खरीदो 192 के नीचे, जितना जाए उतना धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो, व्यू मोर देन 3 ईयर्स का रखना। रीजन बीइंग, आपको पैसा बना के देगा ये शेयर, अगर आपने 3 साल 5 साल होल्ड कराना तो पैसा बनेगा, अगर आपने 1 साल 6 महीने 4 महीने के लिए रखा हो सकता है लॉस खा के चले जाओ, लेकिन 190 रुपए पे आ जाए उसके बाद 3 साल प्लस का व्यू रखा, हो सकता है आपका पैसा 3 गुना हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 2.5 गुना 3 गुना हो जाए बड़ी बात नहीं है, तो नीचे से लेने के मौके तलाशिएगा, बट यहां पे अभी मतलब नहीं बनता, गिरने दो थोड़ा और तो मजा आएगा। बाकी स्टॉक टेक्निकल टर्म्स पे सपोर्ट भी ले रहा है आसपास, यहीं कहीं बार बार घूम जाता है इसे 210 से, एक बार गिर जाए नीचे आ जाए 192 185 175 तक की जगह खुली हुई है, ओपन है मार्केट 175 तक, और वो एक अच्छा भाव भी हो जाएगा। अगला स्टॉक हमारा लास्ट बचता है, हमने RBNL कवर कर लिया, IRFC रह गया। IRFC 147 पे ट्रेड कर रहा है इस समय, टेक्निकल खराब है, लोअर लोज बनते जा रहे हैं और स्टॉक अपने 135 के सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो 100 तक भी जा सकता है। सपोर्ट लेवल ध्यान में रखें, 29 के PE पे ट्रेड करती है कंपनी, 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म पर्पज से पैसा बना के देगी, वैल्यूएशन का मैटर है सारा का सारा और कुछ भी नहीं है, गिर जाए तो गिरने दो, अभी कुछ मत करो, जब तक सपोर्ट लेके उछलेना तब तक, कोई बॉटम पे खरीदने की राय नहीं है इसको, जब तक नीचे से सपोर्ट ना ले ले, हायर हाई ना बना दे तब तक अवॉइड करो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी इन 4 स्टॉक पे, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।